Alonso! Arroyo! EBMC Jindabad! 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 Lavigil ke Islam ko hatta kare ko phasi do! Phasi do! Phasi do! NRC ke naam pe attasar nahi chalega! Nahi chalega! Nahi chalega! Body je hosh me aao! Hosh me aao! Hosh me aao! BJP go back! Go back! Go back! BJP Murdabad! Murdabad! Namaste, main Avichal Dubey. वर्तमान में देश भर में आंदोलनों का दौर चल रहा है। ये प्रदर्शन जो हैं वो छात्रों के द्वारा चलाए जा रहे हैं। आप अलग राज्यों में, अलग शहरों में ये आंदोलन देख सकते हैं। कहीं फीस हाइक को लेकर आंदोलन है, तो कहीं फेयर जस्टिस को लेकर आंदोलन है। आज जंतर मंतर पर ABMCO के लोग इकट्ठे हुए हैं, और ये जो लोग हैं वो असम से आए हैं। इनकी मांग बड़े तौर पर दो हैं। पहली, लफीकुल अहमद जो ABMCO के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, उनकी जो हत्या हुई उसके फेयर इन्वेस्टिगेशन की इनकी मांग है। दूसरी, NRC के भी फेयर रजिस्ट्रेशन की मांग है। उनका मानना है कि जो NRC का फाइनल लिस्ट असम में आई है वो प्रॉपर नहीं है, उसमें टारगेटेड कर लोगों को निकाला गया है। जो लफीकुल का हत्या हुआ है, जो BTC का जो वहाँ जो पीपुल है, जो BTC का नन बड़ो लोग है, वहाँ कोई अधिकार नहीं मिला है। इसलिए लफीकुल ऐसा एक लीडर है और सब लोगों को, BTC का सब जनगोष्ठी सब लोगों के लिए एक मुद्दा उठाया है, जो सब लोगों को जो भारतीय जो संविधान है पूरा से पूरा अधिकार मिल हो जाएगा। लेकिन ये हुआ है, अभी वहाँ BTC के लोगों को कोई अधिकार नहीं मिला है, इसलिए वो आवाज़ उठाया है। इसी समय में उसके गोली मार कर हत्या कर दिया है। हम आंदोलन किया है, असम सरकार भारत सरकार को हम मांग किया है, तुरंत तुरंत जो कल्प्रित उसको पकड़ो। अभी रफीकुल इस्लाम का 2 साल हो गया है, अभी तक कोई जस्टिस उनको नहीं मिला है। वो लोग अभी भी रिक्वेस्ट करते हैं, डिमांड करते हैं CBI से कि उसको इन्वेस्टिगेट करे और उनको जस्टिस मिले, उनकी फैमिली को जस्टिस मिले। NRC में करीब 19 लाख लोग हैं जो रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं असम में। आपको लग रहा है ये फेयर डिसीजन नहीं है पूरी तरह से, जिसमें इतने लोगों को बाहर कर दिया है जो फाइनल लिस्ट बनाई गई है? पहले तो जो पहली लिस्ट में 40 लाख लोग थे, सेकंड में 90 आया है, लेकिन ये अभी क्लैरिटी नहीं मिली है कि जिस तरीके से कोर्ट का भी ये था कि 40 डेज उनको टाइम दिया जाएगा कि फिर से वो लोग जिसका भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से नेम मिस हो गया है उनको मौका दिया जाएगा। हम समझते हैं कि जब 19 लाख लोग फिर से अपील करेंगे, फिर से ट्रिब्यूनल्स में जाएंगे और वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स को पेश करेंगे, हम समझते हैं कि वो 90 लाख से भी बहुत बड़ा नंबर नीचे चला जाएगा। और जिस तरीके से ये लोग क्लेम कर रहे हैं इलीगल इमिग्रेंट्स, वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। NRC को जो मुस्लिम लोग और विभिन्न लोगों को जो विभिन्न समय जो हलचल जो हुआ, विभिन्न लोगों को बहुत दुख की बात है, निर्यातन चलता है, NRC ठीक नहीं हुआ है, इसलिए हम बार बार ये मांगता है जो NRC का जो काम वो ठीक नहीं है, अभी NRC को ठीक से ठीक करके वहाँ जो लोगों को एक अच्छा सा NRC मिलना चाहिए, ये हम मांग करते हैं। हम ऐसा देखता है जो BJP सरकार वहाँ असम को लोगों को जो वोट बैंक करके जो वो जो कोशिश करता है, ये दुख की बात है, ये एक अन्याय है। और कांग्रेस सरकार यही करता है आगे, कांग्रेस जो नेशनल पार्टी है, कांग्रेस और BJP वो उसी लोगों को वोट बैंक बनाने के लिए ये सजेस्ट करता है। और इसी के बारे में जो वहाँ जो लोग है वो बहुत जातना भाग करता है, इसलिए हम ये प्रोटेस्ट किया है जो लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। जो BJP सरकार और BJP सरकार जो करता है ये ठीक नहीं है। इस लोगों को जो वोट बैंक करके NRC बनाया है वो हम प्रोटेस्ट करते हैं, और इसे हम नहीं चाहिए। जो अच्छा NRC हम चाहिए।
जिस तरीके से पॉलिटिकल फायदे के लिए पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने के लिए जिस तरीके से कर रहे हैं, कंपैरेटिवली कुछ ना कुछ समाज में असर तो हुआ है, लेकिन एक्चुअल जो ग्राउंड रियलिटी है, जो ग्राउंड पे लोग हैं, वो आज भी मिले हुए हैं, बिकॉज यहाँ का जो सोशल फैब्रिक है बहुत स्ट्रांग है। हम समझते हैं कि जितना भी ये डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, ये डिवाइड नहीं कर सकते हैं। जितने भी छोटे छोटे ग्रुप्स या ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे थे, आज पूरे कॉमन प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं। ये इनके एंटी डेमोक्रेटिक, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके की वजह से जितने भी छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, वो और ज़्यादा करीब हो रहे हैं, और ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं। ये एक पॉजिटिव फैक्टर भी हम देखते हैं। जितना वो डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, हम उतने ही एनर्जीज लगाकर यूनाइट होने की कोशिश कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ी मिसाल हम पूरी दुनिया को दे रहे हैं। यहाँ से द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।